लो लो लो, एक मिनट एक मिनट, उबारो बोलता हूँ, उबारो। जी, यानी पकड़ो ना भाई, बे आ तो पकड़ो। दोस्तों अभी हम भावनगर में हैं, भावनगर पानी की टाँकी यहाँ पे फेमस एरिया है। यहाँ पे झाड़ी जखरों में एक भाई के लिए हमें व्हाट्सअप मिला था, आप मेरे साथ चले, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। इधर आ जाइए भाई, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है वो उधर साइड। हेलो भाई। हेलो भैया। भैया हेलो, ओ भैया इधर आओ, खाना देता हूँ। मुझे लग रहा है मुझे अंदर जाना पड़ेगा, और बट थोड़ा डर लग रहा है, अकेले वो है और अकेला मैं हूँ। ओ रुको, वो भाग गया, मतलब वो कांटा भाग गया। ये आदमी कैसे रहता होगा भैया। चलो उस साइड चलो आप। दोस्तों बहुत ही गहरी जगह है ये भाई, कौन सा लोकेशन है भावनगर का? वाटर टैंक पानी की टाकी काली अभी। ला 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 ला, एक मिनट एक मिनट, उबारो बोलता हूँ, उबारो। ओ भैया, ओए ओए रुक इधर, बोला बहन ने कि त्या जाओ। तो बहुत भाई दौड़ा रहा है, ओए ओए आई थी, आई सामे जो जाइस। रुको भैया, कहाँ भाग रहे हो? इधर आओ, साइड में आओ। क्या नाम है आपका? हैं भाई, कुछ बोल नहीं रहे बट बहुत दौड़ाया है। इधर आ जाओ, इधर बैठो, बैठ जाओ, इधर इधर बैठो। बोले छे के कहीं काय बोलतो ज नथी, एक शब्द नहीं बोले। એટલે લોકડાઉન વખત નો અહીંયા, લોકડાઉન વખત નો છે ને આપણ અંદર કેવી રીતે રહેતો, અમને કાંટા વાગી જામો અહીંયા। એટલે કૌશુત કરી કે હેઠો હું તો હોય, કારક કારક હેઠો હું તો અમારો ખાટલો છે, ન્યાય હું તો, એને મનમાં કાંઈ નહીં, આમ ઠેઠ આ રામ મંદિર મંદિર કહેવાય ને ત્યાં હું દેજે, જ્યાંથી પાછો આવે અને વસ્તુ કોઈ એને ખબર, અમુક કોઈ માણસ તાણે જ નથી, બધા વસ્તુ આપે છે। ઘરે જવું છે, હે ઘરે જવું છે, ગુજરાત। ચાલો ખડે હો જાઓ, ખડે હો જાઓ, ચાલો इधर 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 आ जाओ, इधर बैठो। अरे घर आपको भेजना है, चलो घबराइए मत आप। तू डर मत, डर मत, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, इधर इधर वो क्या नाम है, नाम नाम बता दीजिए। जीव जीव रिवाद है, जीव जीव रिवाद, जीवराज, जीव जीव रिवाद, जी जी राव, जीव जीव रिवाद, जी जी राव, जीव जीव रिवाद, रेवा दियो, जीव जीव रिवाद। कहां से हो आप, कहां से हो, कहां से? जीव जीव रिवाद है, जीव जीव रिवाद। थोड़ा जोर से बोलिए तो नहीं, जीव जीव रिवाद है, जीव जीव रिवाद, कहीं कोई बात ना, बाजा चलो बैठ जाओ, नहीं 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 बैठ जाओ, बैठो, ચાલો થેન્ક યુ ભાઈ, અજિત ભાઈ લોકો ને ખબર બે અઢી વૃત બોલતો નથી, ચાલો કઈ વાંધો નહીં, એનું ઘર મળી જશે। હા કઈ જ નકર ગમ, હું એને એટલું ટમેટા આપું, કાકડી આપું, બધું આપું ને,
કહેજે મને નહીં આંબળ્યું કે આજ બોલ્યો મુકત ભાઈ બે તે બેહી જાય પાણી પાઈ પણ કહેજે બોલ્યો નથી આજ બોલ્યો બોલો એ કાઈની થોડી કોશિશ કરી છે ગુજરાતી બોલ્યો છો હા ગુજરાતી ગુજરાતી બોલ્યો ચલે દોસ્તો અભી હમ જા રહે પોલીસ સ્ટેશન યહાં પે કિતના દૂર હૈ ભાઈ ઇધર સે થોડા એ ડિવિઝન લગતા હૈ એ ડિવિઝન મે ના ચલે ઠીક હૈ અબ પૂરા વિડિયો દેખે દોસ્તો શેર કર દીજે થેન્ક યુ સો મચ चले दोस्तों कोई बात नहीं, अभी पुलिस का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और अभी हमारे साथ है भावनगर से हमारे माधव भाई। और आप भी कभी भी कोई भी भगवान का जो रेस्क्यू करते हो तो आप भी नजीक पुलिस स्टेशन में जरूर जान कीजिए, बने रहिए, इस वीडियो को आप पूरा देखिए, शेयर कर दीजिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू माधव भाई। हाँ मुकेश भाई आ जाओ भगवान। अरे बाप रे बाप, दोस्तों आप नजीक से देखिए थोड़ा कितनी सारी उल्टी आज हमारे भगवान ने कर दी है, बट चले कोई बात नहीं, आप उधर चले जाइए, इधर 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 आ जाइए, इधर अब उधर से उधर चले जाइए। बस दोस्तों आप ये देख सकते हो, यहाँ पे नज़दीक आइए, ये दिखाइए ती कितनी सारी उल्टी कर दी है, बट चले कोई बात नहीं, तो हमारा हर रोज का काम है, अभी साफ़ हो जाएगा। किसी भी गंदगी को पानी से साफ़ किया जाता है, बट जब उसकी मानसिकता आप समझ सकते हो कि जिस हिसाब से वो जंगल में घूम रहे थे, कितना हमें ढूंढना पड़ा, कितना भागना पड़ा उसके पीछे, बट किसी व्यक्ति की इंसानियत के नाते कुछ बदलाव लाते हैं, तो वही सबसे बड़ी बात है। अभी रात के बज चुके 8, थोड़ी टाइम ज़्यादा हो गया है क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाना था। मेरे पीछे भी देख रहे हो सोशल मीडिया आश्रम का भी बहुत तेज़ी से काम चालू है, बट चले कोई बात नहीं, आप बने रहिए और इस एपिसोड को पूरा देखिए, थैंक यू। बस क्या नाम बताया था आपका, आप कुछ बोल रहे थे, अरे बाप रे, दोस्तों बहुत ही गंदगी भरी है क्योंकि जिस हिसाब से वो 3 साल से भी लगातार वो उस जगह पे रहते थे, आप नजदीक से देखिए, इधर आइए, यहाँ नज़दीक से आप देखिए कितनी धूड़ मिट्टी, ये पूरा थर जम चुका है, आप देखिए कि व्यक्ति कैसे रह पाता होगा, बट पता नहीं ऐसे व्यक्ति को तो भगवान ही ख्याल रख सकता है, बट हम तो एक इंसानियत के नाते ये कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के पास जाइए, डरने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति से आप डरोगे तो ये हालात से बहस से बदतर हो जाती है। कितनी उम्र है आपकी है भैया? चलो खड़े हो जाइए, ये बाल सब एक जगह पे इकट्ठा कर दीजिए, बस ये बाल सब एक जगह पे रख दीजिए, चलो खड़े हो जाइए, इधर खखेर दीजिए, ऊपर करो मुंह, चलो अब ना लेते थोड़ा नाई लेवू छे ने हैं, चलो पछी जमी लिया आपड़े, आ जाइए इधर आइए, ऊपर चढ़िए, ये शर्ट निकाल दीजिए, ये निकाल दीजिए शर्ट, बस क्या नाम, शू नाम छे तुम्हारू हैं भैया? अरे वाह, फेंक दो इधर, फेंक दो, नया देखूंगा, इधर चलिए, चलिए अंदर, दोस्तों आप देखिए कि व्यक्ति कितने टाइमों से जिस हालात के साथ वो रहता था, काफी महीनों से वो नहाए नहीं है, इतनी गंदगी निकल रही है कि हम सोच के भी हैरान है कि व्यक्ति कैसे रह पाता होगा। हम एक दिन नहीं नहाते तो हमारा बॉडी काम नहीं करता है, हम थक जाते हैं, तो आप सोचिए काफ़ी महीनों से न नहाने की वजह से कितनी गंदगी निकल रही है। आप भी थोड़ी कोशिश कीजिए, हर एक व्यक्ति बदलना जरूर चाहता है, बट कहीं ना कहीं हमारी काम की व्यस्तता के कारण हम हर जगह पर टाइम नहीं दे सकते, यही सोच रखते हैं, और थोड़ा टाइम निकालिए आप, हमें बोलो छो कि हम नाटक करो जो है, ओए सुन भाई, कुछ बोल ही नहीं रहा, पता नहीं उसको क्या दिमाग में अभी चल रहा है।
लगाओ हाथ। अरे वाह, चलो दोस्तों फाइनली थोड़ा टाइम लगा बट किसी की आज जो रात की नींद आने वाली है ना भाई को, वो अमेजिंग होगी। उसका हम कुछ शब्द के हिसाब से नहीं बता सकते बट जिस हिसाब से वो जंगल के अंदर रहते थे विक्टोरिया पार्क के पीछे, और इतने सालों से महीनों से पता नहीं कितना टाइम है बट जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, भाई के बॉडी पे ऐसा कोई निशान तो नहीं है कि हम आपको बता सकते कि यहाँ पे कोई निशान है, बट कोई भी व्यक्ति कोई भी पहचानता है तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट कीजिए आप। चलिए आप भैया, चलो थोड़ा खाना खा लेते, चमेली भी थोड़ू है यार, डिश ले लो, चलो जमान ले लो, आगल जाओ आगल जाओ, बस। जब पहले दिन से लेके आज तक, जब पहले की जो व्यवस्था थी सुविधा थी, काफ़ी बदलाव आ चुका है यहाँ पे। जितने भी प्रभु जी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जिस हिसाब से यहाँ पे रह रहे, एक फैमिली की तरह उसको एक घर नया मिला है, उसको एक नया रास्ता मिला है। बट यही कोशिश करते हैं कि आपके साथ और सपोर्ट से यहाँ पे जो भी कुछ व्यवस्था बन रही है, जो भी कुछ सुविधा अभी बन रही है, बस सपोर्ट देने के लिए आगे आइए, क्योंकि ऐसे ऐसे भगवान के जिसके पास को रहने की जगह है नहीं कुछ भी तरह की सुविधा है। आप इधर इधर बैठिए, इधर आराम से बैठिए, इधर रखिए। शू नाम से तुम्हारू, नाम क्या है आपका, ठंड लग रही है भाई? कुछ नहीं बोल रहे, काफ़ी कोशिश कर रहे हम। चले खाना चालू कीजिए आप, लो आराम से खाइए, ठीक है। ओए भैया, आपके गांव का नाम क्या है? चले दोस्तों कोई बात नहीं, आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से एक जो उसका परिवार मिल जाएगा तो हमारे लिए सबसे बड़ी सेवा होगी। इस वीडियो को जितना हो सके उतना हिंदुस्तान के सभी लोगों तक शेयर कीजिए और सपोर्ट देने के लिए आगे आइए। इस सोशल मीडिया के माध्यम से जो अभी सोशल मीडिया आश्रम बन रहा है वहाँ पे आपके साथ और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अभी थोड़े दिन पहले हमने जो वीडियो रखा था कि हमारा सेकंड स्लैब का काम चालू हो चुका है और उसके अंदर हमें बहुत ही सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उसके अंदर आप कुछ भी तरह का जो सपोर्ट देना चाहते हो, रेती कपची सीमेंट या फिर लेबर वर्क, तो उसके लिए आप सपोर्ट हमें दे सकते हो। थैंक यू सो मच, फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए प्रभु जी के साथ। आप अपना ख्याल रखिए, जय हिंद जय भारत।